एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर चैलेंज वीडियो। कुछ दिन पहले मैंने 5 मिनट्स एवरीडे काइंड ऑफ मेकअप लुक का चैलेंज किया था, जो मैंने 5 मिनट में टाइमर सेट करके आप लोगों के सामने एक एवरीडे काइंड ऑफ मेकअप लुक क्रिएट किया था। उसमें कोई शॉर्टकट नहीं था, कोई फास्ट फॉरवर्ड क्लिप नहीं था, बिल्कुल रॉ फुटेज थी। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 5 मिनट्स पार्टी मेकअप लुक चैलेंज। सो मैं फेल हो जाती हूँ या मैं पास हो जाती हूँ, तो अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सारे चीजों को एक साथ एक रो में अरेंज करके रखा है और पूरा ओपन करके रखा है ताकि मुझे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करना पड़े। और मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ ताकि मैं बीच बीच में बोलूँ ना, अगर बोलती रहती हूँ तो थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट होता है। सो 5 मिनट्स में मुझे एक पार्टी लुक अचीव करना है, जिसके लिए मैंने सोचा है एक स्मोकी आई, क्योंकि स्मोकी आई बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। सो एज यू कैन सी, मैं अपने फ़ोन में टाइमर सेट कर रही हूँ 5 मिनट्स का। सो लेट्स सी 5 मिनट्स में मैं एक पार्टी मेकअप लुक अचीव कर सकती हूँ या नहीं। सो पहले मैं एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर रही हूँ। दिस विल वर्क एज अ प्राइमर और उसके साथ ये मेरे फेस को मॉइस्चराइज भी करेगा। मैं इवनली होल फेस पर इसे अप्लाई कर रही हूँ एंड देन मैं पॉन्ड्स का जो बीबी क्रीम है उसे अप्लाई करूँगी। इसका कवरेज काफ़ी अच्छा है, सो मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ और ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर का है। सो इजीली मैं फिंगर की मदद से इसे ब्लेंड कर सकती हूँ, दैट्स वाई। और ब्लेंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई मैंने डॉट्स में अप्लाई किया है ताकि मैं ईजिली फिंगर की मदद से ब्लेंड कर सकूँ। और उसके बाद मैंने इसे नेक पर भी अच्छे से अप्लाई किया है। नेक्स्ट मैं एनवाईबे का जो कंसीलर स्टिक है उसे इस्तेमाल कर रही हूँ और मेरा शेड है ग्रैंडर देन गोल्डन, सेंट्रल गोल्डन। और मैं अपने अंडर आईज पर इसे अप्लाई कर रही हूँ और अपने आईलिड पर भी एज अ आई प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ एंड मेरे पिगमेंटेड जो एरियाज है वहाँ पर अप्लाई करूँगी। और ये बहुत ही क्रीमी है, दैट्स वाई मैंने इसे इस्तेमाल किया है, क्योंकि ईजिली ये फिंगर की मदद से ही ब्लेंड हो जाएगा और इसका कवरेज भी शेयर टू मीडियम है। सो मुझे उतना ज़्यादा कवरेज का फिक्र भी नहीं होगा और मैं अपने अंडर आईज पर ज़्यादा से इसे ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज मैं एक स्मोकी आई लुक क्रिएट करूँगी, दैट्स वाई मेरे अंडर आईज थोड़े से ब्राइटन होना चाहिए। सो मैं उसके बाद अपने मेकअप को सेट करने के लिए लैक्मी का जो रेडियंस कॉम्पैक्ट है उसे इस्तेमाल कर रही हूँ और अपने अंडर आईज पर फोकस करूँगी मैं, ताकि मेरे अंडर आईज और भी ब्राइटन हो पाए। बेस मेकअप अच्छा होना चाहिए, नेचुरल और फ्लॉलेस दिखना चाहिए, तभी कोई भी लुक आप पर अच्छा लगेगा। इसीलिए मैंने बेस मेकअप पर ज़्यादा ध्यान दिया है, ज़्यादा टाइम दिया है। उसके बाद मैं अपने आईब्रोज को फिल इन करने के लिए ADS का ब्लैक आईब्रो पेंसिल इस्तेमाल कर रही हूँ, बिकॉज माई आईब्रोज आर टोटली डार्क ब्लैक। अगर आपके आईब्रोज लाइट है तो आप कोई डार्क ब्राउन शेड इस्तेमाल करें। उसके बाद मैं एक स्पूली की मदद से प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी ताकि मेरे आईब्रोज पर एक नेचुरल इफेक्ट मिले और कोई आर्टिफिशियल ना लगे। एंड फिर मैंने NYB का जो ब्लैक कूल स्टिक है उससे मैं अपने लोअर और अपर वाटर लाइन को टाइट लाइन करूँगी, एज वेल एज मैं अपने लोअर और अपर लैश लाइन पर मैं उसे अप्लाई करूँगी, क्योंकि मैं एक स्मोकी आई लुक क्रिएट करूँगी, दैट्स वाई कुछ एकदम क्लीन नहीं होना चाहिए। बस थोड़ा सा अप्लाई करूँगी और मैं उसके बाद स्मज कर दूँगी। मैं थोड़ा सा टाइम चेक कर लेती हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है। अभी सिर्फ 1 मिनट एंड 27 सेकेंड्स आर लेफ्ट और बहुत काम बाकी है, ब्लश भी अप्लाई करना है। सो नेक्स्ट मैं एक स्मज ब्रश की मदद से मैं इस कोल को स्मज कर दूंगी और मैं उतना ज़्यादा बोल्ड स्मोकी आई लुक नहीं क्रिएट करूंगी, सटल ही रखूंगी, क्योंकि बोल्ड अगर करने लगी तो थोड़ा सा मैसी हो जाता है, दैट्स वाई सटल रखूंगी ताकि बिगिनर्स के लिए ये अच्छा रहे। मैं अपने लोअर लैश लाइन पर जो काजल मैंने अप्लाई किया है उसे भी स्मज कर दूंगी। नेक्स्ट मैंने मस्कारा अप्लाई किया है, जिसके लिए आई एम यूजिंग मेबलिन वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा। मेरे लैशेस बहुत ही लंबे हैं, दैट्स वाई आई डोंट नीड एनी फॉल्सेस फॉर डेली बेसिस। और मैंने मस्कारा से अच्छे से मेरे लैशेस को कोट कर लिया है, जिससे मेरे लैशेस और भी लॉन्ग और बहुत ही वॉल्यूमिनस दिखेगा।
एंड नेक्स्ट मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ बिकॉज टाइम बहुत ही कम बचा है, दैट्स वाई लिपस्टिक पहले मैं लगाऊंगी ताकि कुछ भी अगर कंप्लीट ना हो बस आप लिपस्टिक अप्लाई करें और काजल अप्लाई करें, दैट गिव्स यू अ परफेक्ट लुक। दैट्स वाई मैंने न्यूड और पिंक काइंड ऑफ लिपस्टिक चूज किया है बिकॉज मेरे आईज पर एक ड्रामा है, दैट्स वाई मैं चाहती हूँ कि फोकस मेरे आई पर ही रहे। फिर मैंने कोरल शेड लिया है ब्लश के लिए ताकि मेरे आईज ही फोकस पर आए और उतना ज़्यादा फेस पर कलर ना हो। मैं कॉन्टूरिंग नहीं करूँगी बिकॉज आई डोंट प्रेफर कॉन्टूरिंग। सो मैंने ब्लश के लिए जो शेड चॉइस किया है वो एक आई शेडो है एक्चुअली, तो उसमें शिमर है विच गिव्स अ हाईलाइटिंग इफेक्ट ऑल्सो। और फिर मैं अपने नोज को कॉन्टूरिंग करूँगी सिर्फ बिकॉज नोज कॉन्टूरिंग करने से पूरा लुक ही चेंज होता है, जिसके लिए आई एम यूजिंग दिस बॉन्जो पैरिस ब्राउन आईब्रो पेंसिल। बहुत ही क्रीमी है, ईजिली फिंगर की मदद से आप ब्लेंड कर सकते हो, दैट्स व्हाई आई यूज इट। और उसके बाद मैं थोड़ा सा टाइम बचा है सो मैं ब्लैक आई शेडो को पिक करके मैं उसी ब्लैक आई ब्लैक काजल के ऊपर मैं थोड़ा सा अप्लाई करके स्मज करूँगी ताकि वो ठीक हो जाए। और यू कैन सी कि टाइमर ओ टाइम इज ओवर। सो फ्रेंड्स, कैसा था मेरा मेकअप? मुझे तो ठीक ठाक ही लगा, मेरा जो स्मोकी आई है वो मुझे अच्छा लग रहा है। हालांकि ये फुल आईलिड पर नहीं गया पर एक सॉफ्ट स्मोकी आई लुक क्रिएट कर पाई हूँ जो सिंपल सटल डे टाइम कुछ इवेंट के लिए या फिर डे टाइम वेडिंग पार्टी के लिए भी परफेक्ट होगा। नाइट टाइम के लिए थोड़ा सा सटल रहेगा। और अगर आप लोगों को ऐसे ही सटल मेकअप अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। और आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा ये भी मुझे बताइए। मैंने यहाँ पर और भी चीज़ें रखे थे लाइक सेटिंग स्प्रे मैं इस्तेमाल नहीं कर पाई। और फिर मैंने ब्लश तो अप्लाई किया है, कॉन्टूरिंग मैं नहीं करती हूँ वैसे भी, और मैंने बस अपना नोज कॉन्टूर किया है विच इज़ गुड, वही मैं करती हूँ। ऊपर से मैंने सब कुछ बाकी जो है वो मैंने सब कुछ ही कंप्लीट किया है, बस मैंने सेटिंग स्प्रे इस्तेमाल नहीं किया। सो आप लोग बस मुझे बताइए कि आप लोगों को ये वाला 5 मिनट पार्टी मेकअप लुक चैलेंज कैसा लगा। और ऐसे ही चैलेंजेस अगर आप लोग देखना चाहते हैं नए चैलेंजेस तो उस चैलेंज को भी नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लगा और मेरा ये मेकअप चैलेंज अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल एंड बाय बाय।